गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन 11, अर्जुन का मोह भंग। आज हम अपना नया लेसन अर्जुन का मोह भंग पढ़ेंगे, जो कि एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है बच्चों किसी बड़े कहानी या कथा का एक अंग। अर्जुन, बंधु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन, शत्रु की पक्ष की ओर देखकर, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का वध करना होगा? श्री कृष्ण, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मुंह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन, धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण, वीर अर्जुन, तुम आज कैसे कायरों से बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में ये अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? श्री कृष्ण, ये वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय है ये नहीं करता, उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? शकुनि का छल, दुर्योधन का लाचाग्रह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे? अर्जुन, बंधुवर वह तो ठीक है, पर फिर भी। श्री कृष्ण, अब संदेह करने का कोई स्थान नहीं। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा होगा कि मैं युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? श्री कृष्ण, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते। अर्जुन, सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। अर्जुन, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया है। मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।